नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे आप सभी के असाइनमेंट नंबर 2 क्षत्रिय कार्य 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हिंदी में। आप इस वीडियो को इंग्लिश में अपने चैनल टेस्ट्यूब पे देख सकते हैं। आज जिस वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए जो भाषा सीखने में सहायक हो। आज इस वीडियो में हम इसके आंसर को देखेंगे। असाइनमेंट के आंसर लिखने से पहले दो बातों का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखेंगे और आंसर को ब्लू पेन से लिखेंगे। आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को 500 शब्दों में लिखना है, क्योंकि आप सभी के असाइनमेंट में जो वर्ड लिमिट है, जो शब्द हैं वो फिक्स है, ना ज़्यादा ना कम, 500 शब्दों में आपको लिखना है। आप इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, या आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारे फेसबुक पेज टेस्ट्यूब पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा स्वयं से रिलेटेड। आप सभी के स्वयं में वीक नंबर 12 के टेस्ट अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। आप सभी के ऐप पे आप जाके उन टेस्ट को दे सकते हैं। वीक नंबर 12 में कोर्स 501 और कोर्स 502 में आप सभी के टेस्ट अभी स्टार्ट हैं। आप जाके उन सारे टेस्ट को दे सकते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं asktesttube@gmail.com। हम आप सभी के मेल्स के आंसर हर रविवार सुबह 7 बजे देंगे। हम आप सभी के क्वेश्चन के आंसर्स एक वीडियो में बना के आपके चैनल टेस्ट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। आप वहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो भी क्वेरी है। आप हमसे फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। जाएं फेसबुक पे, सर्च करें टेस्ट्यूब, वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। आप हमसे टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ, वैसे आप सभी को पता भी होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के 26, 27 और 28 फरवरी को होने हैं। स्टडी सेंटर की लिस्ट जल्द ही आप सभी को बता दी जाएगी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स द्वारा। तो दिसंबर के लास्ट वीक तक आप सभी को स्टडी सेंटर के बारे में भी पता चल जाएगा। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपके चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिले तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को रेड बटन को क्लिक करना होगा और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना होगा। इसको करने के बाद आप अपने चैनल पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ है आप उन्हें देख सकते हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सभी की एग्ज़ाम 70 नंबर की होगी, जिसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूँगा, जितने भी स्वयं के क्वेश्चन हैं आप सभी उन्हें याद कर लें और उन्हें अपने कॉपी में लिख लें। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, ऐसे विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए जो भाषा सीखने में सहायक हों। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है। तो आज का हमारा उत्तर है, भाषा सीखने के तरीकों के इतिहास पर एक नज़र डाले तो यह ज्ञात होता है कि ये तरीके कई कारकों एवं स्थितियों से प्रभावित एवं निर्धारित होते हैं, जिनमें मुख्य हैं उस समय के समाज की आवश्यकताएं, जो उस वक्त की भाषा और बच्चे के सीखने की प्रतिक्रिया की समझ, तकनीकी विकास आदि। पहला, व्याकरण अनुवाद विधि। भाषा सीखने का सबसे पुराना तरीका जो आज भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है वह है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य का लक्ष्य भाषा में इस स्तर की प्रवीणता हासिल करना कि लक्ष्य भाषा का साहित्य आसानी से पढ़ा जा सके और लक्ष्य भाषा में लिखना भी आ जाए। विद्यार्थी व्याकरण के नियम और मुख्य शब्दावली याद करते तथा अध्यापक की मदद से भाषा से लक्ष्य भाषा में और लक्ष्य भाषा से आधार भाषा में अनुवाद करते। भाषा सीखने के इस तरीके की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि विद्यार्थी सुनने और बोलने के कौशलों में प्रवीणता हासिल नहीं कर पाते थे। भाषा सीखने के इस तरीके के बाद जो तरीके प्रचलन में आए उनमें सुनने और बोलने के कौशलों पर ही अधिक जोर दिया गया। ये तरीके थे प्रत्यक्ष विधि और श्रवण भाषण विधि। इन तरीकों का विकास केवल सुनने और बोलने के कौशलों पर जोर देने के लिए या केवल व्याकरण अनुवाद विधि की प्रतिक्रिया में नहीं हुआ था, बल्कि उस समय भाषा विज्ञान में यह समझ बन कि भाषा का रूप मौखिक है। संसार में गिनी चुनी भाषाएं हैं।
के रूप में पाई जाती हैं। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में ऐसे अनुवादकों, दुभाषियों और जासूसों की ज़रूरत पड़ी जो अलग अलग भाषा बोलने में प्रवीण हों। इसलिए इन तरीकों में सुनना और बोलना सीखने पर ज़्यादा जोर दिया गया। दूसरा, प्रत्यक्ष विधि, इसमें बोलने की शुद्धता पर बहुत जोर दिया जाता था। विद्यार्थी अध्यापक के पीछे बार बार एक ही वाक्य को दोहराते और उसे अध्यापक की तरह ही बोलने की कोशिश करते थे। तीसरा पॉइंट, श्रवण भाषा विधि, इसमें बोलने सीखने के लिए संवाद को आधार बनाया गया। इसमें टेप रिकॉर्डर और भाषा प्रयोगशाला के आविष्कार से भी बहुत मदद मिली। श्रवण भाषण विधि में इस तरह के संवादों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे, कमल आपका नाम क्या है? गीता, मेरा नाम गीता है और आपका? कमल, मेरा नाम कमल है। गीता, आप कहाँ रहती हैं? गीता, मैं अशोक विहार में रहती हूँ और आप? कमल, मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ। चौथा, संप्रेषणात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि भाषा विज्ञान में निरंतर हो रहे शोधों से प्रभावित हुआ। समाज भाषा विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाषा को सीखने का मतलब केवल भाषागत संरचना को ही सीखना नहीं है, बल्कि संदर्भ के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग सीखना है। स्वाभाविक है कि इस सोच से प्रभावित भाषा सीखने के तरीके में संप्रेषण का संपूर्ण संदर्भ आधार बना। इस तरह के सीखने के तरीके से पाठ कुछ ऐसा होते थे। पांचवा, स्वाभाविक तरीका, इसमें सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया गया कि भाषा सीखने के केंद्र में अध्यापक या पठन सामग्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थी होना चाहिए। यह बात भी भाषा विज्ञान में हो रहे शोधों से प्रभावित थी। इस तरह के शोधों से यह भी स्पष्ट हुआ कि गलतियाँ का भाषा सीखने की राह में आवश्यक पड़ाव है, तथा गलतियों के विश्लेषण यह भी जाहिर हुआ कि वे ज्ञान की ओर सीखने की प्रक्रिया को घोतक। इन शोधों ने यह भी सिद्ध करने घोतक हैं इन शोधों ने यह भी सिद्ध करने की कोशिश की बच्चों में जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। स्कूल में आने से पहले ही वर्ष की बालिका अपनी भाषा के व्याकरण को पूरी तरह से आत्मसात कर लेती है और उसके समझने और बोलने में कोई त्रुटि नहीं करती। इसलिए स्वाभाविक तरीके में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों के भाषा सीखने का माहौल चिंता मुक्त हो, पठन सामग्री उनके स्तर की तथा उनके लिए रोचक और चुनौतीपूर्ण हो। जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने अपने क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस किया है। आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कुछ अन्य पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा पूरे क्वेश्चन को कॉपी ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर जो है बस आप ही के लिए नहीं है, काफ़ी लोग इस वीडियो को देखेंगे और ऐसा हो सकता है कि सब कोई सेम आंसर लिख दें और आपको आगे कड़ी परेशानी हो सकती है आपके स्टडी सेंटर पे, बट उसके चांसेस भी काफ़ी कम है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा पर्सनली, आप सभी शिक्षक हैं, मुझे उम्मीद है आप सब अपने से भी लिख पाएंगे, तो आप सब इनमें से कुछ पॉइंट्स का यूज़ करें और अपने से अपने असाइनमेंट को लिखें, सुंदरतापूर्वक लिखें अपने असाइनमेंट्स को और अच्छे से प्रेजेंट करें, सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रेजेंट करें, बट सेम टू आप इससे कॉपी ना करें, आप कुछ चेंजेस करें उसमें। आगे के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको आपके चैनल पे प्रोवाइड दिए जाएंगे। आप इस पीडीएफ को हमारे चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आप सारे के सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको जाना होगा आपके चैनल पे टेस्ट ट्यूब पे, आप सभी को जाना है अपने चैनल पे, टाइप करना है टेस्ट ट्यूब। टाइप करने के बाद आप सभी को आपके चैनल की लोगो मिल जाएगी, आपका आपके चैनल का नाम यहाँ पे आप मिल जाएगा। आपको इस लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा अपने प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके सामने आपके NIUS DLET के सॉल्व असाइनमेंट्स कोर्स नंबर 502 है और आपके NIUS DLET के सॉल्व असाइनमेंट कोर्स नंबर 501 है। आप इन दोनों प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप इन दोनों प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें आपके कोर्स 501 और 502 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे अपडेट्स इसमें मेंशनड है। आज हमने आपके चैनल पे असाइनमेंट नंबर 503 से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं इंग्लिश और हिंदी में। जल्द ही आपकी कोर्स 503 की भी प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी, जिसमें हर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में दिया गया है। 1 जनवरी से आप सभी के टारगेट कोर्स स्टार्ट होंगे आपके चैनल टेस्ट ट्यूब।
जिसमें हमारा कोशिश यही रहेगा, जो मेरी कोशिश है, जो मेरी टीम की कोशिश है, कि अच्छे से अच्छे हम आपको प्रेजेंट करें जो भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स एक बार में इस एग्ज़ाम को पास करें, उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, हमारी कोशिश यही रहेगी। आप हमारे स्वयं के MCQs भी देख सकते हैं आपके चैनल पे, तो जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऊपर के दोनों वीडियोस को देख लेंगे और बीच वाले सर्कल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।